हेलो स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ माय लेक्चर्स। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द कन्वर्जन ऑफ मीले मशीन इनटू मूरे मशीन बाय यूजिंग ट्रांजिशन टेबल टू ट्रांजिशन टेबल। तो अगर कोई भी आपकी मीले मशीन की ट्रांजिशन टेबल आपको गिवन है और उसको आपको मूरे मशीन के ट्रांजिशन टेबल में जो है कन्वर्ट करना है, तो आप किस तरह से करोगे? तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे कि Q0 से जो है कितने आउटपुट आपके जनरेट हो रहे हैं वो आप लिख लोगे। तो Q0 से मीले मशीन के अंदर आपके कितने जो है आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं, Q0 से 1 है और Q0 से यहाँ पे भी आपका 1 है, तो आउटपुट आपका क्या प्रोड्यूस हो रहा है, 1। ठीक है, ऐसे ही Q1 के लिए आपके आउटपुट कौन कौन से प्रोड्यूस हो रहे हैं। Q1 के लिए यहाँ पे आपका 0 प्रोड्यूस हो रहा है और Q1 के लिए आपका यहाँ पे 1 प्रोड्यूस हो रहा है, तो दो आउटपुट जनरेट हो रहे हैं, 0 एंड 1। ऐसे ही Q2 के लिए आपके कौन सा आउटपुट, Q2 के लिए आपका यहाँ पे 1 प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पे जो है Q2 के लिए आपका 0 प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो Q2 के लिए आपके 0 एंड 1 टू आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं। ऐसे ही Q3 के लिए यहाँ पे आपका 0 आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है और Q3 के लिए आपका यहाँ पे भी 0 प्रोड्यूस हो रहा है, तो Q3 के लिए आपका आउटपुट जो है 0 हो रहा है। अब देखो, Q1 के लिए 2 आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक तो हो रहा है आपका Q1 के लिए @0 पे और Q1 का @1 पर। ठीक है, ऐसे ही Q2 का 0 के लिए जो है आपका 0 है और Q2 के लिए 1 पे आपका 1 है। ठीक है, तो अब देखो ट्रांजिशन टेबल को कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले Q0 पे आपकी नेक्स्ट स्टेट क्या है, Q3 0 के लिए और 1 के लिए नेक्स्ट स्टेट है आपकी Q1 और Q0 के लिए जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका 1, तो आउटपुट आप यहाँ पे 1 लिख दोगे। ठीक है, अब Q1 के लिए नेक्स्ट स्टेट, अब देखो Q1 के लिए आपके 2 आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं, 0 एंड 1, तो आप इसको इस तरह से लिखोगे Q1 @0 और Q1 @1। तो सबसे पहले 0 के लिए लिखेंगे Q1 @0 पे आपकी नेक्स्ट स्टेट है Q0 एंड Q3, आउटपुट क्या होगा? देखो 0 के लिए आपका आउटपुट क्या था, Q1 @0 के लिए आपका आउटपुट था 0, तो आप सिंपली इसको 0 लिख दोगे। ऐसे ही Q1 का 1 पे जो है Q0 Q3। ठीक है, और 1 पे आउटपुट क्या प्रोड्यूस हो रहा था आपका, 1। अब Q2 के लिए भी आपका 0 और 1 पे जो है 0 और 1 आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा था, तो इसको भी आप Q2 @0 और Q2 @1। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेट है आपकी Q2 और Q2, इसके लिए भी आपकी नेक्स्ट स्टेट Q2 और Q2। ठीक है, तो 0 के लिए आपका आउटपुट जो है प्रोड्यूस हो रहा था आपका 0 और 1 के लिए 1। ठीक है, अब Q3 के लिए नेक्स्ट स्टेट है आपकी Q1 एंड Q0। ठीक है, और आउटपुट आपका क्या प्रोड्यूस हो रहा था Q3 के लिए, 0। ठीक है, सो दिस इज़ द ट्रांजिशन टेबल फॉर मूरे मशीन। सो इस तरह से आप किसी भी मीले मशीन की ट्रांजिशन टेबल को मूरे मशीन के ट्रांजिशन टेबल में जो है चेंज कर सकते हो। तो अब ये जो मूरे मशीन की ट्रांजिशन टेबल आपकी आई है, इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो मूरे मशीन के ट्रांजिशन डायग्राम में, तो आप किस तरह से कन्वर्ट करोगे? तो इसको जो है हम मूरे मशीन के ट्रांजिशन डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके जो इनिशियल स्टेट है वो है आपकी Q0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट आपकी क्या है, Q3 और Q1। ठीक है, आउटपुट क्या है आपका, 1 है। ठीक है, तो मूरे मशीन में आपका जो आउटपुट होता है वो करंट स्टेट के साथ अटैच होता है, तो आपने 1 को यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब 0 के लिए आपका Q3 पे था और 1 के लिए आपका Q1 पे था। ठीक है, अब देखो Q1 के लिए आपके 2 ट्रांजेक्शन हैं। ठीक है, पहला 0 के लिए @input symbol 0 और एक है आपका 1 के लिए। तो सबसे पहले हम 0 के लिए देखते हैं, तो अगर आपकी स्टेट Q1 है और आउटपुट आपका 0 है, ठीक है, Q1 स्टेट है और आपका आउटपुट 0 है, तो नेक्स्ट स्टेट कौन कौन सी हैं आपकी, एक तो Q0 है तो Q0 for 0 एंड Q3 है तो Q3 for 1। ठीक है, अब Q1 1, ठीक है, 0 के लिए तो आपका 0 आउटपुट के लिए तो आपका ये वाली स्टेट हो गई, ऐसे ही आप 1 के लिए बनाओगे, तो 1 के लिए हम यहाँ पर बना लेते हैं Q1 @ आपका आउटपुट जो है 1 है। तो स्टेट कौन कौन सी हैं आपकी, Q0 @0 Q0 एंड Q3, तो 3 के लिए यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो @1 पे। ठीक,
ऐसी आपकी Q2 के लिए आपकी दो स्टेट हैं, तो Q2 पहले जीरो के लिए बना लेते हैं, Q2 ऐड जीरो पे, ठीक है। तो Q2 ऐड जीरो पे आपकी Q2 पे ही है, नेक्स्ट स्टेट आपकी Q2 पे ही है ऐड जीरो पे, जीरो इनपुट सिंबल, और वन पे भी आपकी जो है यहीं पर है, ठीक। ऐसे ही आप Q2 ऐड वन बनाओगे, तो Q2 ऐड वन हम सपोज़ करो Q2 ऐड वन, ठीक है, यहाँ बना ली। तो Q2 ऐड वन पे ट्रांजेक्शन है आपका जीरो और वन के लिए यहीं पर है, ठीक है। अब देखो Q3 पे आपका ट्रांजेक्शन Q3 ऐड जीरो, ठीक है, Q3 ऐड जीरो, ठीक। Q3 ऐड जीरो पे Q1 है, Q1 है Q3 से, Q1 है आपका जीरो के लिए, और Q3 से Q0 है आपका, Q3 से Q0 मीन्स ये, ठीक है, एट वन। थैंक यू।